हाय, मैं नीलम भार्गव। आज बनाएंगे दिवाली डेकोरेशन के लिए फ्लोटिंग लैंप्स इन कलर्ड बॉर्डर। इसके लिए हमें चाहिए यूज में ना आने वाले कांच के ग्लास, रंग बिरंगे मोती, विक्स, कुकिंग ऑयल, फ्लो प्लास्टिक फ्लोट्स, लिक्विड फूड कलर्स और ड्राई फूड कलर, ड्रॉपर। और अगर आपके पास प्लास्टिक फ्लोट्स ना हो तो ये प्लास्टिक शीट है जिसको हमने राउंड कट किया है और उसके हम फ्लोट्स बनाएंगे। साथ ही साथ हमें चाहिए कैंची और ग्रिल स्टिक। सबसे पहले जो ग्लासेस हमने लिए थे उसमें हम ये कलर्ड मोती डालेंगे। कोई भी कलर आप ले सकते हैं, जैसे हमने शाइनिंग वाले गोल्डन लिए हैं, सिल्वर लिए हैं। थोड़े शाइनी कलर्स मोती होंगे तो अच्छे लगेंगे। ये देखिए, 3 ग्लासेस इस समय हम रेडी कर रहे हैं। इसमें हमने पानी डाला है, ऑलमोस्ट 3/4 ग्लास फिल करना है पानी से। अब इसमें लिक्विड फूड कलर, जस्ट एक ड्रॉप काफी रहती है, उसको मिक्स कर देंगे पानी में। और ड्राई फ्रूट कलर भी आप ले सकते हैं, लिक्विड फूड कलर या ड्राई फ्रूट कलर कोई भी आप ले सकते हैं। मेन हमारा पर्पस है अपने ग्लास में जो पानी है उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देने। ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं 3 कलर्स हमने बनाए हैं, मरून समथिंग, ऑरेंजिश एंड येलो। अब इसमें हमने कुकिंग ऑयल डाला है, तकरीबन 1 चम्मच ऑयल ऐड करना है ग्लास के पानी में। आप ये ऑयल ऐड कर दीजिए, लगभग 1 चम्मच। अब जो हमारे प्लास्टिक फ्लोर्स हैं उसमें हमने ये विक्स लगाई है और इसको हल्के हाथ से धीरे से पानी के ऊपर रख दीजिए ग्लास के सेंटर में। ये देखिए, 3 में से 2 ग्लास में हमने रेडीमेड फ्लोट्स बनाए हैं। लेकिन अगर आपके पास ये रेडीमेड फ्लोट्स ना हो तो इसका एक बनाने का तरीका है। कोई भी पतली प्लास्टिक शीट को एक दिए की शेप में राउंड ड्रॉ करके आप उसको कट कर लीजिए। और कट करने के बाद उसमें हम एक छेद करेंगे। ये देखिए, राउंड कट हो चुका है। अब ये हमने इसमें एक छेद किया और छेद करके इसमें एक विक्स लगाकर इसको पानी में छोड़ दिया है। अब ये हमने लेट करके इसको अपना रेडी कर लिया है। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं दिवाली पर। अगर आप इसे अपने घर में लगाएंगे तो इसकी एक अलग ही रौनक आएगी। हमारे फ्लोटिंग लैम्प्स इन कलर्ड बॉर्डर तैयार हैं। आप इन्हें घर पे ट्राई कीजिए और दिवाली एंजॉय कीजिए। हैप्पी दिवाली।